हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। क्रिएटिव लाइफ के गार्डनिंग में आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जौ और मटर की खेती के बारे में जानेंगे, जो कि अपने यहाँ खुद बोई गई थी। तो इस समय ये काफ़ी बड़ी फसल हो गई है, लगभग 3-4 महीने बाद का ये वीडियो है। तो इसमें कुछ वीडियो आपको पहले के मिलेंगे और कुछ जो है फसल के तैयार होने के बाद के वीडियो मिलेंगे। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और एंजॉय करिए। तो आपको वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि रहने वाला है जौ की खेती पर। तो जौ की खेती के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ जिस प्रकार से बुआई की जाती है, हम उसी तरह से बताएंगे। सबसे पहले जो है एक जो फार वाला हल होता है, उससे जुताई की जाती है। और उसके बाद फिर जो रोटावेटर होता है, रोटावेटर से जो है मिट्टी को एकदम चाल के बढ़िया से भुरभुरा बना दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में अच्छे से फैल जाती हैं और इससे जो है फसल काफ़ी अच्छी होती है। तो अपने यहाँ सबसे पहले बुआई से पहले जो है खाद डाले जाते हैं। तो खाद में जैविक खाद और डाई, यही सब खाद डाला जाता है। और उस खाद को डालने के बाद ही बीज जो है उसमें बोए जाते हैं। तो रोटावेटर ट्रैक्टर जो होता है वो मिट्टी को एकदम अच्छे से भुरभुरा बना देता है। तो जो खाद और डाले रहते हैं, जो भी खाद होता है, जैसे डाई हो गया या फिर जैविक खाद हो गया, जो भी हो गया, उसको छींटने के बाद जो है हल्का सा रोटावेटर से उसको फिर एक बार जुताई हो जाती है। तो सबसे पहली जो जुताई होती है वो फार वाले हल से होती है और उसके बाद जो है खाद डाला जाता है। खाद डालने के बाद फिर रोटावेटर से जुताई होती है और उसके बाद आपको जो है हम बीज दिखाते हैं। हम उसमें बीज डालेंगे, उसके बाद बीज डालने के बाद जो है फिर से एक बार रोटावेटर से जुताई होगी। तो बीज में क्या बीज है आइए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बाल्टी में निकाला गया है जौ, और जो बोरी में था, तो बोरी भी आपको अभी दिखाएंगे जिस बोरी में से ये निकाला गया था। और इस जौ के बीच में जो है मटर भी बोई जाएगी। ये जो है दाल वाली मटर होती है, तो इसका जो है दाल भी बना सकते हैं और कच्चे मटर की आप सब्जी वब्जी हर एक चीज़ बना सकते हैं। और ये जो है बोरी है, इसी बोरी में से बाल्टी में निकाला गया है। बाल्टी में से जो है बीज को खेत में छींटा जाएगा और छींटने के बाद जो है उसके बाद जैसी बुआई होती है उसकी छींट के आराम से बोया जाता है। और अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो जो है फसल की पहली भराई और लगभग एक मंथ कंप्लीट होने के बाद का वीडियो है। ये फसल इस समय लगभग एक महीने की कंप्लीट हो गई है। तो जौ की बुआई लगभग नवंबर दिसंबर में बुआई की जाती है इसकी, और उसके बाद जो है मार्च अप्रैल में आप जो है इसकी कटाई कर सकते हैं, अप्रैल स्टार्टिंग में और मई में, इसी के बीच में जो है इसकी कटाई हो जाएगी। तो ये आप फसल का ग्रोथ देख सकते हैं किस प्रकार से है। और उस समय ठंड का मौसम भी था, तो आपको हल्का फुल्का इसमें जो है सीथ भी दिखेगी पत्तियों पर। और इसके बाद का जो आपको वीडियो होगा वो लगभग 3.5 महीने कंप्लीट होने का वीडियो है। तो ये वीडियो जो है समय समय पर रिकॉर्ड करके सेव किया गया था, उसके बाद जो है आपको कंप्लीट शेयर किया जा रहा है, जिससे कि वीडियो की आपको पूरी नॉलेज दी जा सके किस प्रकार से अपने यहाँ खेती होती है। तो जैसा कि बुआई के बाद इसमें बीच बीच में मेड़ भी डाल दी जाती है और उसी से भराई की जाती है। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लगभग 3.5 या 3.5 महीने की फसल का है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मटर किस प्रकार से है, मटर की फली भी आ गई है, फूल भी है, और जौ भी आप देख सकते हैं जो भी प्रॉपर तरीके से जमा है और इसमें जो है अच्छी खासी बालें आ गई हैं। जौ और गेहूं की फसल एक साथ ही बोई जाती है और समय इनका भी सेम होता है। तो ये अपनी जो फसल है ये जौ की है और गेहूं भी अपना दूसरे खेत में बोया गया है, ये दूसरा खेत है। तो मिला जुला के ये दोनों एक ही साथ बोए जाते हैं, इन लोगों का टाइम जो होता है एक ही साथ का होता है। और
आपको जो है इसकी बाल भी हम दिखाएंगे अच्छे से किस प्रकार से है। एक बार पूरा आप खेत का व्यू देख लीजिए। आप उसके दूसरी साइड जो देख रहे हैं वो गेहूं के खेत थे, और अब देखिए आप जौ, जौ में जो इसके रेशे होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और जौ और गेहूं में अगर खेत है तो इसी प्रकार से आप डिफरेंस कर सकते हैं। जौ के जो रेशे होंगे वो बाल में बहुत ज़्यादा होंगे, और गेहूं के जो रेशे होते हैं वो कम होते हैं। आपको एकदम नज़दीक से दिखाते हैं किस प्रकार से इसमें रेशे होते हैं। और जौ जो है खाने के लिए बहुत ही हेल्दी अनाज है। इसको जो है आप गेहूं के आटे में भी पिसवा सकते हैं, या फिर गांव में अक्सर गर्मियों में लोग सत्तू बनाकर जौ का बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और उस जौ में आपका चना, मटर और कई प्रकार की चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। उसको भुजवा के अच्छा से भून करके उसके बाद फिर इसको पिसवा करके तब खाया जाता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें मटर में अभी छीमी लगी हुई है, पपटा जिसको बोलते हैं गांव में, और फूल भी है। तो लगभग लगभग 20 से 25 दिन में अपनी जौ भी तैयार हो जाएगी, और साथ में जो ये मटर हैं ये भी अच्छा हो जाएगा। और इसको तोड़ करके आप कच्चे भी खा सकते हैं, और पकने के बाद इसका जो है दाल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सत्तू बनाते समय इसको जो है उसी में भुनवा के पिसवा के आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होती हैं। ये जौ बोया जाता है अपने यहाँ, अक्सर ही बोया जाता है। तो ये पूरी जौ की खेती आप देख सकते हैं। आपको इसमें मटर के दाने, मतलब मटर के जो पौधे हैं वो भी दिख रहे होंगे, जैसा कि वीडियो में आपको दिखा है कि बोते समय जौ और मटर दोनों बोया गया था। और ये बगल में जो है सरसों का खेत है, और इसमें आप इस समय देख रहे हैं ये जौ के खेत हैं। आपको जो है इसी में हम गेहूं का खेत भी दिखाएंगे, जो कि बगल हमारे पड़ोसी का खेत है। तो आपको उससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि जौ और गेहूं में किस प्रकार से डिफरेंस होता है। जो इसकी जो है आप देख रहे हैं बाल की शाखाएँ हैं वो इसमें आपको कम देखने को मिलेंगी, और ये थोड़ा मोटा होता है गेहूं, लेकिन जब आप जौ देखेंगे तो वो जो है पतला होता है और उसमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं बाल में। तो आप देख सकते हैं ये गेहूं की फसल है, और किस प्रकार से इसकी बाल भी मोटी है और इसके जो है रेशे भी जो है कम है। अब हम आपको जो है जौ दिखाते हैं। जौ थोड़ा पतला होगा और इसमें जो है रेशे भी ज़्यादा रहते हैं, और इसका जो रेशे होते हैं वो काफ़ी लंबे भी होते हैं। आप देख रहे हैं बाल के एकदम ऊपर होते हैं। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, जो कि आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फसल जौ की है या फिर गेहूं की है। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा आज का कंप्लीट वीडियो, जो कि जौ पर था। आगे भी इसके कटाई और दवाई से संबंधित वीडियो आपको अपडेट किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।